सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने बताया था कि अब व्लॉग्स कंटिन्यू आते रहेंगे, तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज्यादा यूनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। रीजन इज दैट क्योंकि चंद्रयान की जो लैंडिंग है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है हमारे स्कूल में ऑडिटोरियम में दिखाई जा रही है बच्चों को। तो हम यहाँ किसका वेट कर रहे हैं, चलिए चलते हैं वहीं पे बच्चों के पास। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटरमिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन। Today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on. अपनी सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters. Waiting at this point, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर इंडियन के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है ये, और लैंड होने वाले हैं। लैंडर की ऊंचाई कुछ ही टाइम में चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है मून के ऊपर बिल्कुल सक्सेस हो जाए, फिंगर क्रॉस। करेंटली ओनली ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स। जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका, आज के बाद से चांद से जुड़े मिशन बदल जाएंगे और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सक्सेसफुली लैंडिंग हो चुकी है और इट्स आर वेरी एंजॉयिंग। यस, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, वी आर वेरी हैप्पी। आर यू हैप्पी एवरीवन? यस, वी आर हैप्पी।
Okay, sir, successfully landing ho chuki hai Chandrayaan 3. Yes. So, you want to say something about this? Yes. First of all, I would like to congratulate all the Indians and all the scientists jinke badolat hamare Chandrayaan aaj successfully land ho chuka hai. We have created history. I'm extremely proud that I am an Indian. Aur as an Indian, ye hamare liye bahut hi garv bahut hi pride moment hai. So, yes, and we have created history. Abhi tak sirf 3 country hai, Russia, then USA, then China. And India is the fourth country jinhone moon ke upar successfully land kiya hai. And this is going to change the Indian economy. Uske saath saath hamare jo military force hai, hamare jo disaster management hai, all these things, in sab ke upar abhi bahut zyada important impact padayenge, bahut hi zyada positive impact padayenge. To ye bahut hi hamare liye garv ki baat hai. And I'm extremely, again I'm saying that I'm extremely proud and I feel very great that we have created history. After 2 failures, ye hamara third time tha, to ye hamare liye bahut hi garv ki baat hai sir. Thank you sir. Har Bharatiya ke liye ek bahut khushi ka mauka hai, to is khushi ke mauke pe tum kuch kehna chahoge? यस सर, मैं कहना चाहूंगी कि हम बहुत बहुत ज्यादा खुश है कि हम भारतीय हैं और हमारा जो इसरो है जिन्होंने चंद्रयान 3 लैंड किया है मून पे, सो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड मूवमेंट है और हिस्ट्री में हमारा नाम आएगा. हमारा जो इंडिया है वो चौथा होगा इस मून पे लैंड करने के लिए. हमने पहले भी बहुत कोशिशें की थी कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, बट चंद्रयान 3 हमारा लैंड कर चुका है और हम बहुत बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए. हाय एवरीवन, दिस इज प्रेरणा चौधरी एंड टुडे आई फील हाईली प्राउड एंड आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन द सेफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ मून ऑफ आवर चंद्रयान 3 ऑन दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चंद्रयान 3 मिशन एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आवर इंडिया हैव कंप्लीटेड आवर क्रिएटेड अ हिस्ट्री. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द साइंटिस्ट, to all the members of India and Narendra Modi ji, everyone. I congratulate each and every person of India and I feel very, very happy and I am also happy to be an Indian. Okay, are you happy? Yes, sir. Yes, okay, so you want to say something? Of course, I think please. It's a very beautiful moment for our India. I congratulate all the Indians and especially the ISRO team. It is very beautiful to see them smile finally after the all the hard work they have done. Yes, and at last, I would say I'm happy as an Indian and that's all. Okay, first of all, I'm very happy. It's a glad moment for me. Okay, so are you happy, sir? Definitely, sir, I'm happy. Yes, even I can't define my feelings in words. Okay, so you want to say something? Definitely, I want to say something. मैं कुछ basics आपके कुछ facts clear करना चाहता हूँ. जितने अभी तक अपोलो missions moon को लेकर हुए थे, उसमें मैं 3 दिन लगते थे moon तक पहुँचने के लिए. लेकिन उसमें ये था कि जब अपोलो missions हुए, इसके साथ कुछ astronauts वगैरह भी गए, तो अब ये कि 40 days तक आप नहीं रह सकते, क्योंकि life supporting system इतनी देर तक आप use नहीं कर सकते. काफी challenging होता है. इस बार क्या थे, सैटेलाइट गई है सिर्फ. और इस बार हमें 40 डेज इसलिए लगे क्योंकि हमारे पास क्रू मेंबर्स थे. इस बार हमारा जो फ्यूल है वो काफी कम यूज हुआ है और काफी एक अच्छे बजट पे हम पहुंचे. जब सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही थी तो उसका ऑर्बिट इंक्रीज होता गया. जब ऑर्बिट इंक्रीज होता गया तो जो एल्टीट्यूड है वो भी इंक्रीज होता गया सैटेलाइट का. फाइनली जब साइंटिस्ट ने उसे इस पे जब साइंटिस्ट ने उसे एस्केप थर्स दिया, सो जाहिर सी बात है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को पीछे छोड़कर जो सैटेलाइट का रास्ता है वो साफ होता गया मून के लिए, इसलिए हमने अच्छी लैंडिंग की है. थैंक्स. दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट. यू वांट टू से समथिंग? यस सर. यस प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस टू द इसरो टीम एंड ऑल द इंडियंस दैट आवर चंद्रयान 3 हैज बीन लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन. यस. वंदे मातरम. यस, ये बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है हर इंडियन के लिए और आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस. और मेरी तरफ से और हमारे स्कूल की तरफ से आप सबको बधाई हो. If you like this video, then don't forget to like, comment, share, and don't forget to press the bell icon. So see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.